आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। अरे मेरे पति पे झूठा इल्जाम लगाती है तू, और हमें जाने के लिए कह रही है? इसे भी पटा रखा है, मुझे भी पटा रही है। पर फिर वेदिका के चरित्र पर सवाल उठाया गया है, उसे पूरे मोहल्ले के सामने फिर एक बार बेइज्जत किया गया है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। बड़ी है हमें यहाँ से निकालने वाली। अरे मेरे पति पे झूठा इल्जाम लगाती है तू, और हमें जाने के लिए कह रही है? तुझे तो मैं बताती हूँ। भाइयों बहनों, ये औरत उल्टा है उल्टा। इसके पास अपने बच्चों को कभी मत भेजिएगा पढ़ने के लिए। और जो एक जरिया बचा था उसके पैसे कमाने का, उसे भी बंद कर दिया गया है। अब वेदिका के ट्यूशन में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ निधि ने वेदिका का कैरेक्टर ही खराब कर डाला है। हाँ, साहिल ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि वेदिका के पास काम नहीं है, घर खर्च भी चलाना है और इतने सारे लोग भी हैं घर पे, तो साहिल ने बहुत मेहनत करके ये प्लान किया कि अभी ट्यूशन्स अगर हम चालू कर दें तो पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। पर निधि ने ऐसा कुछ किया कि सब चौपट हो गया प्लान। उसने किसी के थ्रू एक आदमी से बदतमीज़ी करवाई मुझसे, और फिर सब बच्चे और सारे पेरेंट्स ने देख लिया, और सारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम आपके पास बच्चे नहीं भेजेंगे। तो अभी जो एक होप था वो भी चला गया। लेकिन जहां वेदिका मुश्किल में हो वहां साहिल ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी हीरोइन को मुश्किल में देखकर हीरो पहुंच तो गया, लेकिन हीरो का पहुंचना कुछ काम ना आया। साहिल तो जब उसको गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं करता, और स्पेशली अगर वेदिका को किसी ने कुछ कह दिया तो वो तो बिल्कुल आपा खो देता है। तो वैसा ही हुआ। उसने मोहल्ले वालों से खूब बगावत भी की, लेकिन क्या फायदा हुआ जनाब? अब वेदिका आखिर अपना घर कैसे चलाएगी? सबके सामने पत्नी, उसको तो वैसे ही कोई एतराज नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ वेदिका को है, क्योंकि वो तो दिल से उसे अपनी पत्नी मानता ही है, पर वेदिका का ये मानना है कि वो और निधि है पति पत्नी। तो ऑफकोर्स वेदिका को बहुत गुस्सा आता है जब वो उसे अपना पति या मुझे वेदिका को पत्नी कहता है। तो वेदिका घबराइए नहीं, टीवी की बहुओं के लिए मुश्किलें आम बात है, और इन्हीं मुश्किलों का सामना कर टीवी की बहू बनती है सुपर बहू। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, आप भी सुपर बहू के कैटेगरी में आती हैं, और आप अपनी इस मुश्किल को चुटकियों में हल कर देंगी कोई और रास्ता निकाल कर, जिसमें साहिल आपका साथ देगा। मुंबई से कैमरामैन अनुप उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर खबर की लेंगे खबर मास्को स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।